वेलकम बैक टू चैनल कैसे हो आप सब आई होप आप सब ठीक होगे तो फ्रेंड्स आज से हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम जो है मैंने कुछ ऐसे नोट्स बनाए हैं शॉर्ट नोट्स ठीक है जिसका हम यूज़ करेंगे अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए अब मैं क्यों आपको इसमें से पढ़ा रही हूँ तो मैं इसका सारा रीज़न आपको मिल जाएगा मेरे पहले वाले वीडियो पे जो मैंने इससे पहले अपलोड किया था जहाँ पे आप सबके लिए टेंथ क्लास के लिए सरप्राइज़ था तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप लोग जाके वो वीडियो देख लेना अगर आप लोग न्यू हो हमारे चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड मेक श्योर करना कि आपने उस बेल अलग रिपेस्ट आने वाली सारी नोटिफिकेशंस वो उधर से ही आपको मिलेंगी ठीक है तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते और हाँ फ्रेंड्स मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जहां पे आपको ज्वाइन होना है क्योंकि आपको ये सारे ऐसे हैंड रिटेन नोट्स डिजिटल नोट्स आपको मिलेंगे वहीं पर तो जल्द से जाओ और चैनल को टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना ठीक है और इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं अब मैं इस वीडियो को जो है पार्ट में रखूँगी दो पार्ट या तीन पार्ट रहेगा इस वीडियो का ठीक है जैसे अच्छे से एक्सप्लेनेशन हो जाए सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए हाँ अगर आपको कोई डाउट तो आप मुझे कमेंट करना और उसके आंसर मैं ज़रूर आपको दूंगी ठीक है कोई भी डाउट हो अपना अभी इसी टाइम पर क्लियर कर लेना क्योंकि डाउट्स अगर आप रखोगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगा ठीक है तो और हाँ ये हैंड रिटन नोट्स बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए तो प्रॉब्लम uh, की बिल्कुल बात नहीं है आप इसको ज जितने बार चाहो आप रिवाइज कर सकते हो इसी से ही आप इसके ऊपर पूरा डिपेंडेंट रह सकते हो ठीक है ऐसा मैं बोल रही हूँ क्योंकि uh, मुझे विश्वास है कि ये सारे नोट्स इनफ है आपके टेंथ के प्रिपरेशन के लिए साइंस के लिए ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले है uh, हाँ हम स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर से साइंस उनका आपका चैप्टर राइट देखो ग्रेविटेशन क्या होता है पहले आप आपात हम बात करते हैं ग्रेविटी की आप लोग को पता है ग्रेविटी क्या होता है है ना कोई भी चीज़ देखो अभी आप अर्थ पे रहते हो तो एक सम काइंड ऑफ फोर्स है एक कुछ एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटी जो हमें अर्थ के पे रहने के लिए अट्रैक्ट करती है ठीक है अब जैसे अगर आप मून पे जाओ या सम अदर प्लानट पे जाओ तो आपको ये ग्रेविटी टाइप की चीज़ें मतलब आपको कम दिखेंगी वाई इज़ इट सो बिकॉज वहाँ पे ग्राविटी कम है इसलिए आप वहाँ पे फ्लाई करते हो उड़ते हो है ना आपके आपके पैर ज़मीन पे नहीं रहते हैं देखो अब जो भी, भी जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं जो जाते हैं दूसरे प्लान्स पे तो आपने देखा होगा टी में या फ़ोन में आपने देखा होगा कि उन लोग जो है हवा में उड़ते रहते हैं उन वो ज़मीन पे नहीं रह पाते बिकॉज ग्रेविटी कम है दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन जो हम सीखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें ऐसा क्या है जो एक्चुअल एक्ट act करता है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसके कारण कोई भी चीज़ जाती है ऊपर तो नीचे क्यों नहीं आती है ये किसने बनाया था तो हमारे सर इसैक न्यूटन ने क्योंकि ग्रेविटेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने बनाया था सर इसैक न्यूटन ने ठीक है तो इन्होंने ही ग्रेविटी का ये रूल बनाया था क्योंकि आपको पता होगा फॉलिंग ऑफ एन एप्पल वाला स्टोरी uh, क्या उन्होंने बताया था कि देखो एक ना ये थोड़ा सा डायग्राम मैंने दिखाया है आ, उन्होंने वो एक पेड़ के नीचे एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे ठीक है एप्पल के पेड़ के नीचे वो बैठे हुए थे तो फिर वहाँ पे ना अचानक सडनली एप्पल गिरा एंड ही वॉज थिंकिंग कि इस एप्पल जो है ये वर्टिकली मतलब सीधा नीचे ही क्यों गिरा मतलब हॉरिजोंटली या सम अदर वेव में भी गिर सकता था बट ये नीचे स्ट्रेट क्यों गिरा मतलब वर्टिकली क्यों गिरा दिस वाज़ द क्वेश्चन और जैसे ही ये क्वेश्चन आया उनके माइंड में बस उन्होंने सोचना शुरू कर दिया एंड देन इन्होंने ये ग्रेविटी जो ग्रेविटेशन है इसका कॉन्सेप्ट बिल्ड किया ठीक है तब जाके उन्होंने ये ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट बिल्ड किया ठीक है इसकी स्टोरी आपको मिल जाएगी तो उस पर उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है मैंने आपको आप, ओवरऑल स्टोरी बता दिया हाँ अब फिर इनके मन में क्वेश्चन आया कि अगर एप्पल गिरता है अर्थ पे ठीक है सम काइंड ऑफ सपोज़ कोई फोर्स एक्ट कर रहा है उसके ऊपर तो जो अदर प्लानिट्स हैं जो अर्थ जैसे कि जैसे अब हम मून ले लें इन्होंने मून की बात की है मून जो है अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करता रहता है घूमता रहता है तो वो क्यों नहीं जमीन पे गिरता है ये ऐसा क्वेश्चन उनके माइंड में आया अब माइंड में जब क्वेश्चन आया तो आंसर ढूंढना था ठीक है तो ये काइंड ऑफ थ्योरी था और जिन्हें सर इसक न्यूटन ने डिस्कवरी की थी जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशन ठीक है अब उनके हम कुछ लॉज देखेंगे लॉज ऑफ ग्रेविटेशन ऐसे क्या है उन्होंने कौन से कौन से लॉज ऐसे करके इन्होंने दिए थे वो हम देखते हैं ठीक है तो पहला लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस टू रिमेन एट रेस्ट मतलब एक ऑब्जेक्ट वो अपनी जगह पे ही रहेगा कब तक जब तक और स्ट्रेट लाइन में मतलब एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस टू रिमेन एट रेस्ट इन यूनिफॉर्म मोशन इन इट मतलब जब तक उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करे तब तक वो अपने जगह से हिलेगा नहीं वो तभी हिलेगा जब उसके ऊपर कुछ अलग सा फोर्स लगेगा फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बताती हूँ आप लोग एक जो है एग्जाम्पल करके भी देख सकते हो आप एक काम करो एक बॉल लो ठीक है एक बॉल लो और उसको एक जगह पर रख दो अब उसको देखो वो हिलेगा नहीं हिलेगा बट जैसे ही आप उस पर फोर्स लगाओगे ठीक है आपने सबसे अपना जो फिंगर होता है या हैंड होता है उससे आप ऐसे थोड़ा सा पुश करो उसको अब देखोगे आप पहले बॉल यहाँ पे था पहले बॉल यहाँ पे था आप मूव करके वो रोल करके करके यहाँ पे आ जाएगा वाई इज इट सो बिकॉज इसके ऊपर एक फोर्स लगा है है ना इसे आप मैकेनिकल फोर्स भी कह सकते हो जो लगा हुआ है इसके ऊपर जिसके कारण ये यह यहाँ पर अपना पोजिशन चेंज किया तो फर्स्ट लॉ इनका ये था ठीक है क्या कि ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर रहेगा कब तक जब तक उसको उसके ऊपर से एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे ठीक है अब सेकेंड लॉ की बात करते हैं सेकेंड लॉ उन्होंने बोला कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज डायरेक्टली ये साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ठीक है तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड इट अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इत कहना ये था कि जैसे कि आपने वो बॉल को यहाँ से चेंज करके इस पोजिशन पर लाया ठीक है तो आपने एक फोर्स उनके ऊपर लगाया अब ये फोर्स क्या है देखो मोमेंटम आपको पता होगा मोमेंटम मोमेंटम का जो है हम इसको पी से डिनोट करते हैं है ना मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं एंड पी इक्वल्स टू एम वी होता है ठीक है P इक्वल्स टू mv होता है m क्या हो गया आपका मास एंड वी इज योर वेलॉसिटी मतलब कि उसका जो मास एंड वेलॉसिटी है वो बेसिकली किस पर फोर्स पर डिपेंड करता है कि आप किसी हिसाब से फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उस स्पीड में वो जाएगा ठीक है एंड नेक्स्ट थिंग कि इन्होंने बताया कि आप जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे वो उसी डायरेक्शन में मूव होगा ठीक है ऐसा नहीं है कि आप किसने और डायरेक्शन में आपने मूव किया उसको और वो कोई और डायरेक्शन में आएगा मैं आपको बताती हूँ जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप साइकिल चलाते हो ठीक है जो साइकिल का जो पहिया होता है नॉट द पहिया नॉट द व्हील बट जो जिससे आप पैडल मारते हो ठीक है वो पैडल आप क्या करते हो जैसे कि आप पैडल इस तरफ में मतलब इस तरफ में मार रहे हो तो साइकिल भी इसी डायरेक्शन में जाएगा राइट right? मतलब आप आगे की तरफ पैडल मार रहे हो तो साइकिल भी आगे की डायरेक्शन में जाएगा कभी आपने पीछे की तरफ पैडल मारा है क्या और देखा है कि साइकिल पीछे जा रहा है नहीं क्योंकि पीछे का पैडल मारने का तो है ही नहीं है ना मतलब लगता ही नहीं है चलो so, तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ठीक है इसमें भी बॉल वाला एग्जाम्पल लेते हैं आपने बॉल लिया इसने आपने यहाँ से इसको फोर्स अप्लाई किया है यहाँ से अब मूव कहाँ पे होगा इस तरफ आएगा या इस तरफ आएगा किस तरफ आएगा ऑफकोर्स नॉर्मल सी बात है भाई जब आपने इस बॉल को इस तरफ मारा इस तरफ आपने उसको पुश किया तो ये मूव भी इसी तरफ होगा राइट तो यही चीज़ वो बताना चाह रहे थे कि जिस तरफ आप उसको मारोगे वो उसी तरफ मूव होगा मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि आप जितना फोर्स मारोगे उतना ही वो मूव होगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स ठीक है और किस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करोगे अब थर्ड इन लोग का थर्ड लॉज इन्होंने बोला था कि एवरी एक्शन फोर्स एवरी एक्शन फोर्स एक्शन फोर्स क्या फोर्स क्या होता है जो फोर्स आप अप्लाई करते हो ठीक है जो इनिशियल फोर्स होता है जब फोर्स आप अप्लाई करते हो जैसे आपने बॉल को यहाँ से फोर्स दिया तो ये हो गया आपका एक्शन फोर्स एक्शन हुआ है सम काइंड ऑफ उस उसमें कुछ एक्ट किया गया तो एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन तो हर एक फोर्स का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है वेरी आसान सा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ आप एक काम करो ठीक है ये पहले सुन लो उसके बाद सोचना कि करना है या नहीं आप अपना हाथ लो ठीक है और हाथ लो हाथ में बॉल पकड़ो और बॉल पकड़ के वॉल पे मारो अब ऐसे मत करना कि टी वी पे लग जाए कांच फूट जाए ऐसा मत करना जिससे बाद में सुनना पड़े ठीक है तो आसानी से करना आराम से करना बॉल लो वॉल पे मारो अब क्या होगा बॉल जब अब जब आप इसने आपने सपोज वॉल पे मारा यहाँ पे आपने वॉल पे मारा तो ये बॉल वापस आएगी आपके पास आएगी कि नहीं आएगी आप यहाँ पे खड़े हो आपने यहाँ से आपको आपने यहाँ से बॉल मारा बॉल फेंका और बॉल अगर मतलब स्ट्राइक होने के बाद वापस आएगी कि नहीं आएगी यही बात उनका थर्ड लॉ कहता था थर्ड लॉ देखो ये सब हमारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं उन, उसी उन्हीं को हमने इस लॉज में बना दिया है ठीक है और यही लॉज को समझने में हमें बहुत डिफिकल्ट होता है क्यों भाई जब सब देखो फिजिक्स इज ऑल अबाउट योर सराउंडिंग आप कैसे अपने सराउंडिंग को देखते हो इट्स ऑल अबाउट योर द वे यू सी योर सराउंडिंग एंड एग्जामिन दैम तो ये फिजिक्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिकल्स ठीक है आपको सब कुछ प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा ठीक है so, करोगे तो फिर आपको आसानी होगी हाँ अगर आप उसको ऐसे लोगे कि या कौन सा फ़िनमिना यहाँ पे लगा दिया क्या फोर्स लगा दिया कौन सा क्या, क्या बोल रहे हैं तो फिर तो भाई फिजिक्स तो डिफ़िकल्ट है फिर ठीक है फिजिक्स तब डिफ़िकल्ट है तो क्या इन्होंने बोला है कि एवरी एक्शन फोर्स को आपने बॉल को फेंका बॉल स्ट्राइक होके वापस आया राइट right? तो ये इसने जो जितना फोर्स उस वॉल पे लगा है उतना ही फोर्स उस वॉल ने उस बॉल पे मारा होगा ठीक है मतलब जितना फोर्स इस बॉल पे लगा है फेंकने के टाइम जितना आपने फेंका ये वॉल है आपका जितना फेस फोर्स इसके ऊपर लगा है उतना ही फोर्स वॉल इसको मारेगा और उतने ही फोर्स से वो बॉल भी वापस आएगी ठीक है तो कोई भी किसी भी चीज़ को देखो आप अगर आप किसी को मारते हो तो सामने वाला भी आपको मारता है राइट तो यही सेम फिनोमा फिनोमिना इन्होंने बताया कि आप जो भी काम कर रहे हो जो भी एक्शन आप लगा रहे हो उसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन तो ज़रूर होगा ही मतलब वो चीज़ें रिएक्ट करेंगी आप किसी को मार रहे हो तो ऐसा नहीं है कि वो आप वो सह लेगा एंड बोलेगा ठीक है भाई तूने मार दिया मुझे चलेगा चलो कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम मत मारना ठीक है ऐसा नहीं होता आपने उसे मारा वो भी आपको सामने से आके मारेगा ठीक है तो सब भाई मतलब जो भी होता है वो इक्वली होता है एंड रिएक्शन तो होता ही है अगर आप एक्शन करोगे तो रिएक्शन होगा ही ठीक है तो ये तीनों लॉज थे जो न्यूटन ने बताया था चलो हम एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं तीनों लॉज को पहला लॉ पहला लॉ कहता है कि एक ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे ही रहेगा तब तक रहेगा जब तक आप उस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई कर दो ठीक है तब तक तो अपनी जगह पे ही रहेगा दूसरा लॉ उन्होंने क्या बोला था कि आप जिस डायरेक्शन में मारोगे उसी डायरेक्शन में वो मूव होगा कोई अलग डायरेक्शन में नहीं मूव होगा जिस डायरेक्शन में मारोगे उसी डायरेक्शन में वो मूव होगा और ये किसके प्रोपोर्शनल होगा मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होगा ठीक है एंड देन उन्होंने थर्ड लॉ क्या बताया था कि एवरी एक्शन फोर्स हर एक्शन फोर्स के पास इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता ही होता है ठीक है आई होप सो आपको ये तीनों लॉज न्यूटन के समझ में आ गए होंगे ठीक है अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रिपिटल फोर्स के बारे में ठीक है देखो सर्कुलर मोशन क्या होता है सर्कुलर मोशन वो मोशन होता है जो मतलब ऐसा मोशन जो सर्कल में हो या एक ऑर्बिट कंप्लीट करो एक सर्कल बना रहा हो अब एक काम करो ठीक है एक रोप लो ठीक है उसको पकड़ो जैसे इस लड़की ने किया है एक रोप लो उसको पकड़ो और उसको घुमाओ क्या बनेगा सर्कल बनेगा क्या हो रहा है सर्कुलर मोशन हो रहा है फ़ैन देखो देखो फैन क्या गोल 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 मूव होता है क्या कौन सा मोशन हो रहा है सर्कुलर मोशन हो रहा है आप कोई रिंग लो ठीक है जो देखो जो रिंग पहन के हम अपने बॉडी का अराउंड फिर वो वेस्ट से हम उसको हिलाते हैं राइट उसको वो घुमाते हैं तो वो वो भी गोल गोल घूमता है क्या हो रहा है सर्कुलर मोशन हो रहा है ठीक है तो जो भी चीज़ें जो सर्कुलर ही मूव हो रही है उसे कहते हैं सर्कुलर मोशन कितना आसान था अब इसका कॉन्सेप्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है सेंट्रीपिटल Force का तो यहाँ पे क्या बोला है सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है तो सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होता है जो सेंटर की तरफ लेके जाए चीज़ों को जैसे कि इस लड़की ने क्या किया कि देखो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ है इस लड़की ने ना एक रोप लिया है ठीक है एक रोप लिया है और उसके ऊपर एक चीज़ें बांध ली हैं कुछ भी आप बांध लो स्टोन बांध लो बॉल बांध लो कुछ भी बांध लो उसको घुमाओ जब एक टाइम पे आप देखोगे कि वो जो है सेंटर की तरफ आएगी मतलब अंदर की तरफ ठीक है सेंटर सीकिंग मतलब अंदर की तरफ सेंटर पिटल क्या होता है कि जो फोर्स होगा वो अंदर की तरफ आएगा ठीक है तो सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होगा जो सेंटर सीकिंग होगा मतलब सेंटर की तरफ आएगा दैट इज सेंट्रिपिटल फोर्स सेंट्री एक कॉन्सेप्ट होता है जो इस अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैं बता देती हूँ सेंट्री फोर्स टोटली ऑपोजिट होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के सेंट्री फोर्स में क्या होगा जो फोर्स आउटवर्ड्स लगे मतलब सेंटर की तरफ नहीं आएगा वो सेंटर से दूर जाएगा फॉर एग्जाम्पल अब देखो जो भी है जैसे कि आप कोई भी चीज़ ले लो जैसे इसने ये लड़की ने ये रोप वाला एग्जाम्पल लिया है उसने गोल गोल घुमाया अब वो क्या हुआ सेंटर की तरफ आ गया अगर रोप देखो आप एक टाइम रोक को घुमाओगे तो एक तरफ आपकी तरफ ही आके और फिर रुक जाएगा आपको ही मतलब वो कवर कर लेगा है ना ऐसा आप तो ट्राई करना कभी तो आपको ही कवर कर लेगा वो तो सेंट्री पिटल हो गया अब कभी कभी आप फेंकोगे ना तो अभी मतलब आप जब छोड़ोगे तो बाहर निकलेगा अपनी तरफ नहीं आएगा वो बाहर निकल जाएगा उसे हम कहते हैं सेंट्रिफ यूगल तो जो चीज़ें सेंटर सीकिंग है मतलब सेंटर की तरफ आ रही है उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स सिंपल सा डिफिनेशन ईजी है ठीक है अब नेक्स्ट लाइन क्या बोला है अ फोर्स एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल ये डेफिनेशन है आपका सेंट्रिपिटल फोर्स का ठीक है जो भी टुवर्ड्स द सेंटर आ रही है जो फोर्स एक्ट हो रही है कोई ऑब्जेक्ट पे और उसके कारण वो जो ऑब्जेक्ट है वो टुवर्ड्स द सेंटर आ रहा है उसे ही हम कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स ठीक है नेक्स्ट एवरी ऑर्बिटरी प्लानट देखो अभी के यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, कि जितने भी ऑर्बिटरी प्लान है जो भी सन के आजू बाजू या जो भी प्लानट्स जो अराउंड ऑर्बिट uh, में मूव हो रहे हैं ठीक है वो भी सम काइंड ऑफ फोर्स उनके ऊपर भी लग रहा है जिसके कारण जो है वो मोशन में है कौन से मोशन में है वो अपना ऑर्बिटल कंप्लीट कर रहे हैं जैसे कि मून सन राइट ये सारे एग्जांपल्स हो गए और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो मूव करते हैं अराउंड द सन सैटन वीनस एक्सेट्रा ठीक है तो ये सारा कॉन्सेप्ट था सेंट्रिपिटल uh, फोर्स का आई होप सो समझ में आया होगा ठीक है तो यहाँ पे जो है हम कैपुलस लॉ का कंप्लीट करके फिर हम स्टॉप करेंगे क्योंकि ये मैं शॉर्ट वीडियोस बनाना चाहती हूँ जिससे आप लोग को प्रॉब्लम ना हो ठीक है बड़े बड़े वीडियोस होंगे तो आपको भी बोर होगा ठीक है तो मैं चाहती हूँ कि मैं शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स को कंप्लीट करूँ एंड देन आप लोग के साथ शेयर करूँ ठीक है तो ज्यादा से ज्यादा बीस मिनट का होगा अब देखो हमने इतना सारा टॉपिक हम कम्प्लीट करेंगे सिर्फ बीस मिनट में इट्स वंडरफुल राइट चलो जल्दी से कैपलस को कम्प्लीट कर लेते हैं तो आज के लिए फिर इतना इनफ होगा कैपुलस लॉ अब कैपलर्स लॉ क्या होता है जैसे हमारा न्यूटन्स का लॉ था वैसे ही हमारा कैपलर्स का लॉ था अब कैप देखो न्यूटन जो मेन हीरो है ना वो है कैपलर ठीक है जो मेन हीरो है वो है कैपलर इससे इंस्पायर्ड होके न्यूटन ने अपने लॉज बना दिए पता है इनसे ही इंस्पायर्ड होकर न्यूटन ने अपने लॉज बना दिए और न्यूटन वाह वाह में है तो मतलब वो ज़्यादा फेमस हो गए बिकॉज मेन कॉन्सेप्ट था ग्रेविटेशन का इन्होंने जो लॉ दिया था कैपलर ने वो भी सम वॉट सिमिलर था बट जो मेन उन्होंने न्यूटन ने जो दिया था वो ग्रेविटेशन से रिलेटेड था मतलब वो टोटली मेन कॉन्टेंट था तब के टाइम में इनफैक्ट अभी भी है ना तो चलो जैसे कैपलस लॉ देख लेते हैं कैपलस ने क्या क्या लॉज दिए थे वो सारी चीज़ें ठीक है आप देखो कैपलस के बारे में वो एक साइंटिस्ट थे कहाँ से आए हैं उन्होंने कितनी वो स्टडीज़ की है उन्होंने कितने सारे वो ढूंढे हैं रिसर्च किए वो वो सारी चीज़ें ना आपको ऊपर आप देखोगे ना इसके इमेज के ऊपर मैं देखो गया एक सेकेंड ना तो इसके इमेज के इसी डायग्राम के ऊपर जो होगा ना एक बॉक्स होगा उसमें ना उस बॉक्स को छोड़ के यू नो वाला बॉक्स नहीं है उसके ऊपर जो होगा कैप्लर के बारे में कुछ इन्फो होगी तो आप चाहो तो रीड कर लेना देखो ये लेक्चर के बाद ना रीड कर ही लेना जितना मैंने पढ़ा है ना उतना बस रीड कर लेना ठीक है पहले तो बात तो जो मैंने नोट्स में दी हूँ वो रीड कर लेना अच्छे से ज़्यादा नहीं है दस मिनट लगेंगे ज़्यादा ज़्यादा अच्छे से समझोगे तो ठीक है वो रीड कर लेना एंड देन उसके बाद जो है तुम लोग टेक्स्ट बुक का रीड कर लेना तुम लोग का कॉन्सेप्ट टोटली बिल्डअप हो जाएगा स्ट्रॉग हो जाएगा ठीक है कोई टेंशन नहीं होगी उसके बाद कभी भूलोगे नहीं इस कॉन्सेप्ट को चलो जल्दी से आते हैं कैपलस लॉ पे अब कैपलस लॉ प्लैनेट्स को लेके बहुत फोकस्ड थे उन्होंने प्लैनेट्स के ऊपर लॉज बनाने स्टार्ट कर दिया देखो उन्होंने पहला लॉ क्या बोला कि द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट द ऑर्बिट ऑफ अ प्लानेट इज एन एलेप्स एलिप्स क्या होता है ऐसा ऐसा कुछ नॉट एग्जैक्टली ओवल नॉट एग्जैक्टली राउंड बट एन एलिप्स ठीक है एलिप्स इज सम काइंड ऑफ हम कह सकते हैं सर्क्यूलर नॉट दैट सर्कुलर नॉट दैट ओवल शेप देखो आप लोग ना यू गूगल का यूज़ करना और एलिप्स का वो स्ट्रक्चर सर्च करना ठीक है आपको पता चल जाएगा तो हमारा जो प्लानट्स होते हैं ना वो पता है कैसे मूव होते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट में ठीक है एलिप्स बनाते हैं देखो आप इसको भी समझ सकते हो ये जो शेप है ठीक है मेरा बनाया हुआ शेप नहीं है ये जो में जो डायग्राम शेप है उसको आप देख लेना ओके तो पहला लॉ क्या कहता है कि द ऑर्बिट ऑफ अ इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकट मतलब कि ये जो भी ऑर्बिट करते हैं प्लान ये प्लान जो भी ऑर्बिट करते हैं ठीक है वो पहले बात तो एलिप्टिकल होता है ठीक है इनका एलिप्टिकल होता है ऑर्बिट एंड ये सारे जाके एक आ, और ये सारे जाके एक Uh, मतलब एक जगह पे जाके फोकस होते हैं मतलब एक जगह पे जाके वो होते हैं मतलब एक जगह पे जाके मिलते हैं ठीक है एट वन ऑफ द फोकर पे वो सन के नजदीक होते हैं सन के पास होते हैं ऐसा वो होता है ठीक है तो ये पहला फोर्स लॉ बता रहे थे सेकेंड लॉ बता रहे थे कि ये देखो फर्स्ट लॉ तो इंपॉर्टेंट तो नहीं है अब सेकेंड लॉ पे आते हैं इन्होंने बेसिकली ये, ये बताया कि सारे जो ऑर्बि और प्लानट्स होते हैं वो अलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते रहते हैं सन के आजू बाजू ठीक है एट सम डिस्टेंस सेकेंड लॉ कहता है कि द लाइन ज्वाइनिंग द प्लानिट जो जो लाइन्स जो प्लानट और सन को ज्वाइन कर रहा है ठीक है आप देखो इस डायग्राम को देखते हैं देखो ये डायग्राम है यहाँ पे हमारा सन है और यहाँ पे सपोज एक प्लानिट है सी इनको जो लाइन ज्वाइन कर रहा है कौन सन को और प्लानट को ठीक है इसके बारे में बात कर रहे हैं लाइन ज्वाइनिंग द प्लानट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज वो कैसा इक्वल एरियाज कवर कर रहे हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब कि इन लोग जितना एरिया इन लोग कवर कर रहे हैं ठीक है जितना एरिया इन लोग कवर कर रहे हैं वो क्या इक्वल एरिया कवर कर रहे हैं मतलब बाद में जब यहाँ से वहाँ भी होगा ना आफ्टर सम टाइम जब वो मूव होकर यहाँ पे भी आएंगे तो तभी भी उनका इतना ही एरिया होगा भले ही देखने में आपको लग रहा है कि इतना बड़ा है नो दैट्स नॉट करेक्ट लेकिन टाइम उतना ही लगेगा और उतना ही एरिया होगा तभी भी उतना ही एरिया होगा जितना पहले था ठीक है सपोज यहाँ पे सी है अब ये यह घूम के यहां पे आ गया सी क्योंकि ऑर्बिट कर रहा है ना तो आप देखोगे कि एरिया उनका और टाइम सेम ही होगा कोई चेंजेस नहीं आएंगी तो ये सेकेंड लॉ था ठीक है तो सेकेंड लॉ क्या कहना चाहता था कि द तो लॉ इन जॉइनिंग थाइनिंग प्लान एरिया इसलिए बता रहा था कि जो प्लान और सन को जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो अगर एट सम टाइम प्लान ने अपना पोजिशन चेंज भी कर लिया तो उनका जो एरिया होगा जो जो लाइन बनी है इमेजिनरी लाइन जो सन और प्लानट के बीच में बनी है इक्वल एरिया वाइज टाइम वाइज इक्वल ही होगा ठीक है ये सेकेंड लॉ था अब देखो थर्ड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ था और इसी लॉ को न्यूटन uh, ने अपना इंस्पिरेशन माना था ठीक है इन्होंने क्या बोला कि द स्क्र ऑफ इट्स पीरियड द स्क्वेयर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मेन डिस्टेंस ऑफ अ planet फ्रॉम द सन बेसिकली बताया कि हमारा जो टाइम ऑफ पीरियड है ठीक है जी या फिर जो पीरियड है revolution का जो टाइम लगता है ठीक है एक सर्कुलर कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है किसके अराउंड सन के अराउंड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे हमारे डिस्टेंस से बेसिकली क्या बता रहा है कि जैसे जैसे आप टाइम को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे ही डिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगा मतलब देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो एक चीज़ इंक्रीज हो रही है दूसरी भी इंक्रीज़ हो रही है ठीक है तो जैसे जैसे आप टाइम अगर जैसे आप स्क्वायर का टाइम ता, पीरियड का स्क्वायर लोगे ठीक है पीरियड का स्क्वायर लोगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे हमारे डिस्टेंस के क्यूब से कहाँ प्लैनेट से लेके सन तक का ठीक है ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन तो बेसिकली इन्होंने ये इक्वेशन निकाला था क्या टी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आर क्या है हमारा डिस्टेंस है एंड टी हमारा पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन या फिर टाइम पीरियड कह सकते हो ठीक है जो प्लानट को लगता है अराउंड द सन को लेने में ठीक है या फिर अगर आप इसको निकालोगे ना डायरेक्टली uh, प्रोपोर्शनल के साइन को हटाओगे तो ये कॉन्स्टेंट लगता है के ये कॉन्स्टेंट लगेगा के तो मतलब बेसिकली देखो इसको इन्होंने क्या किया इसको हटा के इन्होंने डाल दिया इज किस टू का साइन लग गया और यहाँ पे लग गया के तो ये हो गया टी स्क्वायर इज टू के आर क्यूब अब इस के को इधर क्योंकि हमें कॉन्स्टेंट पता करना है तो और आर क्यूब को नीचे भेज दिया तो इसलिए ये ऐसा बन गया ये ऐसा बन गया समझे तो बस इन्होंने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया बाद में तो ये डिनोमिनेटर में आ गया एंड ऐसा जो है इक्वेशन इन्होंने बना दिया सच में क्या बताना चाह रहा था बस आपको ये देखो अगर आपको याद करना तो है ही ठीक है आपको तीनों ही लॉज न्यूटन्स के भी एंड कैपलस के भी लर्न करनी ही है अब बाकी तो फर्स्ट लॉ तो आसान है एक लॉ बता रहा है कि सारे प्लानिट जो है सन के एलिप्टिकल में घूमते हैं और एक जगह पे जाके कर उन लोग मतलब वो एक जगह पे वो रहते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट में वो रिवोल्यूशन करते रहते हैं सेकेंड लॉ क्या बता रहा था कि जो लाइन uh, है जो प्लैनेट्स और सन को जोड़ता है वो इक्वल टाइम लेता है इक्वल एरिया कवर करता है और थर्ड लॉ कहता है अगर ये इक्वेशन याद है टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब तो या, याद रहेगा कि द पीरियड ऑफ देखो द स्क्वायर ऑफ पीरियड देखो मैं आपको ना एकदम अच्छे से वो करके बताती हूँ कैसे याद करोगे द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन

पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन द स्क्र ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लानट फ्रॉम द सन हो गया ऐसे ही याद कर लोगे तो चलिए आसानी हो जाएगी जल्दी से याद कर पाओगे ठीक है तो यहाँ पर जो है हमने फर्स्ट uh, हमारा वीडियो हमने कंप्लीट कर लिया ठीक है ग्रेविटेशन का मैंने शॉर्ट पार्ट मैंने जहाँ पे आपका ग्रेविटी का वो बताया स्टोरी लॉज ऑफ मोशन हमने डिस्कस किया एंड सेंट्रिपिटल फोर्स के बारे में बताया मैंने आपको एंड हमने यहाँ पे फिर किया कैप्लस के लॉज ठीक है आज के लिए बस इतना काफ़ी है इतना सारा पढ़ लो ठीक है रिवाइज कर लो अच्छे से ज़्यादा हो जाएगा तो बोरिंग लगेगा लेक्चर ठीक है तो इतना रिवाइज कर लेना और वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना और कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ ले जाके मैं क्योंकि मैं रिप्लाई देने के लिए ऑलवेज रेडी ठीक है और मेरा ये शॉर्ट नोट्स आपको समझ में आ रहा है कि नहीं वो भी मेरे को बता देना ठीक है हाफ ये डिजिटल वाले तो नहीं है बट हैंड रिटन ही नोट्स हैं ठीक है थीके? और नोट्स से मतलब होता है डिजिटल है या वो है ऐसा नहीं है मैंने कलरफुल बनाने की कोशिश तो की है कि जिससे थोड़ा तो सा इंटरेस्ट आए हाँ जहाँ पे मुझे लगा इमेज अच्छा होना चाहिए तो मैंने वो यहाँ पे पी से मैंने एडिट करके मैंने स्टिक किया है बट मैं चाहती हूँ कि अच्छा कॉन्टेंट आपको मिले जो आपको मेरे हिसाब से तो मिल ही रहा है ठीक है तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ठीक है तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में Till then, thanks for watching, take care and bye bye.